लखनऊ सरेरा लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार होने वाले गिरोह का पर्दाफाश। लूट करने वाले गिरोह के एक नाबालिग समेत 9 लोग गिरफ्तार। शातिर लुटेरे ग्रुप बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए निकलते थे सड़कों पर। पुलिस ने पकड़े गए लुटेरों के पास से लूट का माल किया बरामद। शातिर बदमाशों द्वारा राहगीरों से अक्सर लूट की वारदातों को अंजाम देकर हो जाते थे रफू चक्कर। गिरफ्तार करने वाली टीम को DCP नॉर्थ रईस अख्तर ने 20,000 रुपए इनाम देने की किया घोषणा। थाना मढ़ियाओं पुलिस ने लुटेरों के गैंग का किया पर्दाफाश। ताजुद्दीन की रिपोर्ट। ये थाना मढ़ियाओं की पुलिस टीम द्वारा बिटोली के पास से 8 शातिर अभियुक्त जो मोबाइल स्नैचिंग और मोबाइल लूट में शामिल रहे हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक बाल अपचारी भी है। इसमें मुख्यतः जो सतीश, सुधीर, पीयूष और अभिषेक हैं ये ग्रुप बना करके मोबाइल लूट करते रहे हैं अपनी बाइक द्वारा, और प्रदीप जो शाहजहाँपुर का रहने वाला है और आशीष वर्मा जो इटौजा का रहने वाला है ये इनकी मोबाइल दूसरे आदमियों को और दुकानदारों को बेचने में लिप्त थे। इनके साथ शमशाद और रफीक ये भी शामिल रहे हैं। इनके पास से 16 मोबाइल बरामद किया गया है। जो 3 मोबाइल हमारे यहाँ मढ़ियाव थाने के ही लूट में वांछित थे और बाकी 3 भी ट्रैक्स कर लिया गया है जिनके वादी यहाँ पे आए हुए हैं और उनके पास से भी मोबाइल स्नैचिंग हुई थी। बाकी का हम लोग पता करा रहे हैं और थानों से इन 16 में से जहाँ पे भी मोबाइल लूट या मोबाइल स्नैचिंग के मुकदमे लिखे हैं इसको हम वहाँ से कनेक्ट कर पाएँ। और इनके क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में भी हम लोग पता करा रहे हैं और थानों में, और जैसे ही क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम चलता है हम आप लोग को अवगत कराएंगे। सर, ये 8 लोगों का गिरोह था, किस तरीके से ग्रुप में बंटकर के काम करते थे और किन जगहों पर ज़्यादातर ये सक्रिय नज़र आ रहे थे? ये टोटल 8 लोग थे इसमें, और इसमें जो ऊपर के 4 लोग जिनका मैंने पहले नाम लिया है ये 2-2 लोग मोटरसाइकिलों पर या 3 लोग, एक रेकी कर रहा था और बाकी 2 लोग स्नैचिंग में रहते थे। बाकी ये प्रदीप और आशीष इनके मोबाइल को बेचने का काम करते थे, तो ये टोटल ग्रुप में अपना ये मोबाइल स्नैच करके उनको बेचने का काम करते थे। और इनके खिलाफ़ बहुत जगह मुकदमे लिखे भी गए हैं और बहुत केसेज में मुकदमे नहीं भी हैं और हम लोग उनको ट्रेस कर रहे हैं। जहाँ से भी मोबाइल स्नैचिंग हुई हम उसको कनेक्ट करें। हाँ, ये मढ़ियाव थाने में ही है जहाँ पे ये क्या कहते हैं दुकान से भी संपर्क करते थे। हम लोग उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं लेकिन ज़्यादातर जो पुरानी मोबाइलें स्नैच करते थे ये दूसरे को सेकंड हैंड दाम पर बेचते थे और जो नई मोबाइल होती थी उन्हीं के लिए दुकानों को संपर्क करते थे। हम लोग उसको भी तस्दीक कर रहे हैं और शीघ्र ही हम उन लोग को भी अरेस्ट करेंगे जो इसमें शामिल है। इन लोगों का बैकग्राउंड क्या रहा, ये लोग करते क्या थे, ये लोग पकड़े गए? ये अभी नए लड़के हैं, 20-21 साल के लड़के हैं। ये बहुत पहले से नहीं, ये शीघ्र ही मुझे लगता है पैसों की तंगी की वजह से इन लोगों ने इस चीज़ को अपना धंधा बनाया कि जो भी कमज़ोर हो या जो भी सक्षम ना हो उसकी मोबाइल स्नैच करके ये लोग ले जा करके उसको औने पौने दाम पर बेच करके अपना काम चलाते थे। ये अपने अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए ही इस्तेमाल करते थे क्योंकि जो भी मोबाइल महंगा मोबाइल होता था ये बहुत ही सस्ते दामों में बेच दिया करते थे। नहीं, अभी ये सब नए लड़के हैं तो सरगना नहीं कह सकते क्योंकि 19-20 साल के हैं, लेकिन ये सतीश शर्मा, सुधीर राजपूत, पीयूष और अभिषेक ये चारों लोग जो मेन स्ट्रेचिंग के हैं ये चारों लोग करते रहे हैं और सबकी उम्र लगभग 20-21 साल है। ये इससे जिनको पकड़ा गया है इसमें से मोबाइल जिन्होंने ऑन करके चलाया है उनसे पूछताछ करके हम लोगों ने ये ट्रैक किया है। हाँ, पूरी गिरफ्तार करने वाली टीम को 20,000 रुपये का इनाम। नहीं, ये हमारे थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह, इनकी पूरी क्राइम टीम और बाकी हम लोग की भी क्राइम टीम ने सपोर्ट किया है इनको, जो भी टेक्निकल सपोर्ट मिला है सर्वेलांस का और इनकी गिरफ्तारी।